पितृ दोष है, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? पितृ भूखे हैं, इसका तो वर्णन हमने पहले कर दिया कि रात्रि को जब आप सोने के बाद में एक डेढ़ घंटे बाद अगर आपकी नींद खुल जाए, एक घंटा डेढ़ घंटा आप सो लिए, उसके बाद जो नींद खुली तो एक डेढ़ घंटे तक अगर आपको नींद नहीं आ रही है, रात्रि को सोने के बाद में एक घंटे बाद जब उठे तो आपको प्यास लग गई, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी कि मेरे को पानी पीना पड़ेगा, घबराहट हो रही पानी पीना पड़ेगा, एक डेढ़ घंटे सोने के बाद अचानक नींद खुले और आपको प्यास लगे, समझ लेना आपके पितृ भूखे हैं और प्यास है। वो भूखे और प्यास हैं, उनको जल की जरूरत है। किसी भी नदी में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, तालाब में, आप तीर्थ में जाकर जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद एक काम का नियम बना लो कि अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने पूर्वजों को देना है। प्यासे रहते हैं, भाग मांगते, भाग प्राप्त करना। तीन वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। नैमिषारण्य की कथा में भी कहा था, तीन वृक्ष पितरों के तुल्य हैं, पहला पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्र का वृक्ष, ये पितरों के तुल्य हैं। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि रात्रि को एक घंटा डेढ़ घंटा सोने के बाद कुछ गलत गलत विचार आने लगते हैं, नींद सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक नहीं आती, 4 बजे के बाद फिर नींद आती है, तो एक प्रैक्टिकल जरूर कर देखना। एक प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रयास करने में क्या कुछ जाता है क्या? प्रैक्टिकल कर देखना कि कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, तो प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाए। एक लोटा पानी लो, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, बेलपत्री का पेड़ या पीपल का पेड़ या बट का पेड़, इन पेड़ के नीचे ले जाकर उस दूध को दोपहर में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ले जाकर चढ़ा दीजिए। रात्रि को फिर ना आपको प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी, नींद एक बार लगी तो सुबह ही खुलेगी। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? तीन वृक्ष पितरों के तुल्य हैं, पहला जम के बोलिए पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्री का वृक्ष। तीनों पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण एक साथ निवास करते हैं, इसलिए पितृ तुल्य है। बट वृक्ष ब्रह्मा जी के मस्तक से बना, इसलिए पितृ तुल्य है। और बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती जी के अश्रु से बना, जब आंसू गिरे थे माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती के, उस समय पर पितृ लोक में हलचल उत्पन्न हो गई थी, हमारी नातिन की आंख में आंसू कैसे आ गए? मैनावती की पुत्री है, पितरों की नातिन, इसकी अश्रु कैसे गिर गए? पार्वती जी ने कहा, यह आंसू नहीं, मेरा पुण्य भाग प्रकट करती हूं बेलपत्री के रूप में। तो पितरों ने वर दिया था कि यह बेलपत्री का वृक्ष हमारा आशीर्वाद है, इसके नीचे अगर कोई दीप लगाता है, शिव को स्पर्श कर चढ़ाता है, उसके पितरों की शांति होगी, हम स्वयं उसको आशीर्वाद देने के लिए पधारेंगे। बेलपत्र का वृक्ष। दूसरा पितृदोष का लक्षण बताया, घर में कोई शुभ कार्य ना हो, वंश की वृद्धि ना हो, 1 रुपये कमाओ 1.25 रुपये खर्च हो रहे हैं, पैसा 10 जगह से कमाई आ रही है पर घर में टिक नहीं पा रही है, आया गया पितृदोष। जरा सी कटोरी पड़ी है उसके पीछे विवाद चालू हो जाए,
पानी ढुल गया उसके पीछे विवाद हो जाए या छोटी छोटी बात में घर में क्लेश मचा हुआ है, पितृ दोष है। समझ लो हमारे पूर्वज हमसे खुश नहीं, प्रसन्न नहीं। कोई कहता है गुरुजी श्राद्ध बड़े बेटे को करना चाहिए कि छोटे को करना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर जायदाद का पूरा हिस्सा बड़े ने लिया हो और तुमने अपनी माता का दूध ना पिया हो तो एक ही को कर लेने दो। अगर माता का दूध पिया है और अगर एक अंगूठी भी ली है, जरा सा एक कपड़ा भी अगर सास का लिया है तो श्राद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा, करना। और एक बात बहुत अच्छे से कहूंगा आप लोगों के जीवन में उतरे, अगर मायके में भाई, मायके में भाभी, मायके के लोग अगर आपके माँ बाप का श्राद्ध नहीं करते हैं तो बेटी भी अपने माता पिता का श्राद्ध कर सकती है। उसने भी दूध पिया है अपने माता पिता का, पर वो श्राद्ध का भोजन कौन कराएगा? बेटी का पुत्र हो, बेटी की पुत्री हो, वो कराए। और नाम वो नाना नानी का ले ले करे। अगर वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं संभालते, वो नहीं जानते, तो आप करो, वो करे। दो भाग होते हैं, जब एक रोटी गाय के मुख में दी जाती है, गाय के मुख में जब हम रोटी देते हैं, एक रोटी जब देते हैं, या तो गाय के मुख में 16 श्राद्ध में जब रोटी देते हैं तो रोटी को बीच में से तोड़कर, रोटी का जो भाग होता है उसको, मतलब ऊपर से फुलका का परत नहीं निकालना है, रोटी जो सीधी सीधी है ना, जैसे ये रोटी है तो इसको बीच में से तोड़ लिया, दो भाग विभाजित कर लिया, नीचे वाले भाग में भी थोड़ा सा गुड़ शक्कर रख लिया, ऊपर वाले भाग में भी गुड़ शक्कर रख लिया, एक के ऊपर एक रोटी को रख लिया, वो गाय को दी। तो अपन श्राद्ध पक्ष में दो पूड़ी का प्रमाण है कि गाय को दो रोटी दी जाती है, कुत्ता को दो रोटी दी जाती है, दो पूड़ी रख के देते भी देते, आप लोग तो देते हो गए, दो पूड़ी के ऊपर पूड़ी रखकर, थोड़ा सा मीठा रखकर, नमकीन रखकर, कुत्ते को भी देते, दो पूड़ी तोड़कर कागा को भी देते, दो पूड़ी का प्रमाण कहां से आया? दो भाग रोटी के टुकड़े का प्रमाण कहां से आया? श्राद्ध पक्ष में ही ऐसा क्यों किया जाता है? बाकी के समय पर तो कोई ऐसा दो पूड़ी का प्रमाण ही नहीं, पर श्राद्ध पक्ष में ये क्यों कहा जाता है कि पूड़ी के ऊपर पूड़ी रख दे, उसमें मीठा रख दे, खीर शक्कर रख दे, गाय को दिया, कुत्ते को दिया, कागा को दिया, ऐसे क्यों कहा जाता है? उसका कारण क्या होता है? उसका केवल एक कारण है, जो नारी ने भोजन का निर्माण करा है, जो घर की बहू भोजन बनाई है, जो घर की बेटी ने भोजन बनाया है, घर की माता ने भोजन बनाया है, महाराज पिता पुरुष एक कुल को तारता है, बेटी दो कुल को तारती है। जब श्राद्ध पक्ष में दो भाग रोटी के कर गाय को देती है तो एक भाग तो उसके ससुराल वालों को मिलता है, मायके को भी मिले, ससुराल को। जब गया जी का पिंड होता है तो नाना नानी सबका स्मरण कराया जाता है, दो भाग। पुण्यता प्राप्त। अब लोगों को मालूम तो है नहीं कि दो पूड़ी क्यों रखते हैं, उसका कारण वर्णित है शास्त्रों, दोनों पक्ष तारने के लिए, दोनों पक्ष का स्मरण करा। आज भी नियम है महाराज, श्राद्ध का भोजन टेबल पर नहीं कराया जाता, श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण को कुर्सी पर बिठाकर नहीं कराया जाता। आज भी प्रमाण है कि ब्राह्मण के लिए भूमि पर आसन लगना चाहिए और जमीन पर बैठकर कराना चाहिए। तब क्यों? क्योंकि इस भूमि पर बैठकर जब भोजन कराएंगे, इसी भूमि से ना जाने कितने पितर गए, कितने तर्पण हुए, कितनी तिलांजलि हुई, इसी भूमि से, इस रज से, इस कण से ना जाने कितने जीव चल गए। अब लकड़ी पर या टेबल पर या कुर्सी पर बैठकर ब्राह्मण को भोजन कराने का प्रमाण नहीं है।